अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और हरी मिर्च कीमे की रेसिपी। ये भी बहुत मज़ेदार और चटपटी रेसिपी बनती है हरी मिर्च कीमे की। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हरी मिर्च कीमे की और कीमे की, आप जाकर वो देख सकते हैं, उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल गर्म किया है। 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल रही हूँ, कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालकर इसको फ्राई कर लें। इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा फ्राई कर लें, लगातार इसको चलाते रहें। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 kg इसमें मैं कीमा डाल रही हूँ, 1 किलो कीमा है मेरे पास। इसको अच्छे से वॉश कर लें और इस कीमे को इसमें डाल दें, और कीमा डालने के बाद भी 1 से 2 बार चला लें। आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक डाल दें, मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद इसको चलाते रहें, 2 से 3 मिनट तक इसको चला लें, और गैस की जो फ्लेम है उसको हाई रखें। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाले में ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और इसमें 4 से 5 लौंग है और 6 से 7 इसमें काली मिर्च डाली है मैंने, वो डाल के भी इसको एक बार चला लें। 2 टेबल स्पून भर कर यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें, मसालों को मिलाने के बाद इसको चला लें 1 से 2 बार, और इसका पानी काफ़ी रिलीज़ करता है अभी कीमा, तो अभी इसमें पानी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है मैंने, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया हरी मिर्च को। अभी मैं लास्ट में भी थोड़ा डालूँगी, अगर ज़्यादा स्पाइस पसंद है आपको तो और डाल दें। इसको कवर करके अभी मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, बस इसको खोल कर देख लें, जब इसका पानी सारा खुशक हो जाए तो इसको 1-2 बार चलाकर थोड़ा सा पानी इसमें और डालें, ताकि कीमा बिल्कुल नीचे नहीं लगे। यहाँ पर मैं 1 से 2 बार चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, कीमा जले नहीं हमारा। इस मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1 से 2 बार चलाने के बाद इसको मैं इसमें मैं दही डालूँगी। दही यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच डाला है, 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाला है। दही डालकर भी इसको भून लें। एक से दो मिनट के लिए इसको भून लें, और गैस अभी भी बिल्कुल हाई पे रखनी है, फ्लेम इसका बिल्कुल हाई कर दें। और अब ये अच्छे से, जब ये बिल्कुल दही इसमें मिक्स हो जाए, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर करके रखना है। आप इसको प्रेशर कुकर में 1 से 2 सीटी लगा दें, क्योंकि अगर बारीक कीमा होता है तो आपको उसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेशर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका कीमा मोटा है तो बड़े पीसेस में, तो इसको आप प्रेशर में ही रखें, 3 से 4 सीटी में ये अच्छे से गल जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया था, और फिर से मैंने इसको खोल कर देखा है, इसका सारा पानी खुशक हो गया है, और 1 से 2 बार इसको चला लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि ये कीमा गला है नहीं, जब मैंने इसे चेक किया तो अभी भी ये नहीं गला था, क्योंकि ये कीमा भी काफ़ी मोटा है, तो इसमें मैंने इसको प्रेशर में रखा था, 2 सीटी लगाने के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये अब बिल्कुल गल चुका था। पानी डालकर इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली, अभी अच्छे से गल चुका है।
अब इसको भूनना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे भूनना है। अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ जाए तो ये भुन जाता है बिल्कुल। और इसमें मैंने 2 फाइनली चॉप्ड करके इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है लास्ट में, बारीक चॉप करके इसमें हरी मिर्च डाल दें। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। वो डालने के बाद इसको 2 से 3 बार चला लें। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनें। बस अभी बिल्कुल तैयार है, इसको कवर करके रख दें, गैस बंद कर दें और इसे सर्व करें गर्मा गर्म। ये देखने में आपको ये रेसिपी जितनी मुश्किल लगती होंगी, लेकिन ये बहुत बनाने में बहुत आसान होते हैं। एक बार इस मेथड से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।